की जोड़ी निकलती हुई मैदान की तरफ। इस्माइल भाई आपको कितनी बार बोला जाए थोड़ा बाहर से चले। सो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि अब एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल के मुकाबले जो हमेशा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं, रोमांचक रहे हैं, करीबी रहे हैं, उसकी होने जा रही है यहां पर शुरुआत। पहला सेमीफाइनल जिसमें आमने सामने है पठानवाड़ी और वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। मैं स्कोरर से गुजारिश करूंगा कि एम्पायर का इशारा आ रहा है आपकी तरफ। अभी भी कुछ लोग स्कोरर के सामने हैं, प्लीज वहां से हट जाएं। जो लोग अभी भी स्कोरर के सामने मौजूद हैं प्लीज वहां से मूव हो जाएं। पहली बॉल, और पहली बॉल पर ही विकेट गिरता हुआ वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम को पहली गेंद पर एक बड़ा नुकसान। जैद गए थे ओपनर के रूप में और खाता खोले बगैर, अकाउंट ओपन किए बगैर ये विकेट का पतन। पहली ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं हंसला और विकेट के साथ आगाज किया हंसला ने सेमीफाइनल के मैच का। ये व्हाइट बॉल का इशारा और इस एक्स्ट्रा रन से, अतिरिक्त रन से अब अकाउंट ओपन हो चुका है टीम वेस्टर्न यूनाइटेड का। टॉस जीता वेस्टर्न यूनाइटेड ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। पावर प्ले का इस्तेमाल किया यहां पर सहेल ने और गेंद को मोड़ दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। यह निकलता हुआ सेमीफाइनल के मैच का पहला चौका, फर्स्ट बाउंड्री इन सेमीफाइनल्स। तीन गेंदों में 5 रन एक विकेट के नुकसान के बाद इस बार फिर से शॉट काफी लाजवाब था लेकिन ना गैप नहीं ढूंढ पाए, स्ट्रेट टू द फील्डर खेला और काफी तेज है विकेटों के दरमियान सहल, काफी तेज दौड़ लगाते हैं और ये निकलता हुआ 2 रन जहां पर सिर्फ 1 रन होना चाहिए था। हल्का सा मौका बना था दूसरे रन का और तुरंत उस मौके को कन्वर्ट कर दिया गया 2 रन में पहले ओवर में। इन 2 रनों की मदद से जो स्कोर है वो अब बढ़कर पहुंचा है 7 रनों पे, 7 रन्स। और ये फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। एक्स्ट्रा में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचता हुआ 8 रनों पे। क्या ये सिक्सर होगा या चौका होगा या फिर कुछ और, स्ट्रोक काफी लाजवाब था और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर।
ये चौके की मदद से टोटल जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंचा है 12 रनों पे। लास्ट बॉल, लास्ट, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक भाई, माइक बंद करिए सलमान भाई। ओ शेफ भाई, माइक बंद कर दीजिए। आ रहा है ये, पकड़ लो इसको, दबोच लो। हेलो चेक, हेलो चेक, चेक चेक। अब्दुल लाजी हो वाले, ए अब्दुल माइक चालू करा है ना भाई, माइक बंद ही। ए नहीं भाई, नहीं भाई, ये लोग को अच्छा स्कोरर लोग सब भाई, ए ओपन अहमद फटाफट हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, चेक टेस्ट। हेलो ना, हेलो, दूसरा ओवर चलता हुआ और हेलो, दूसरा ओवर चलता हुआ और दूसरे ओवर में अभी तक का जो स्कोर है वो पहुंचा है 16 रनों पे, एक विकेट के नुकसान के बाद। हेलो चेक, 1.4 ओवर्स में स्कोर है 17 रन्स। चेक टेस्ट और ये जबरदस्त शॉट सहल के बैट से निकलता हुआ गैप में भी है और जब तक डीप में खिलाड़ी उसे फील्ड करेंगे तब तक दो रन के लिए निकले दोनों बैट्समैन। दूसरा ओवर अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ आगे जा रहा है। व्हाइट बॉल सिग्नल फ्रॉम अंपायर। सोवान बॉलिंग कर रहे हैं, पहली 5 गेंदों में 8 रन अब तक इस ओवर में। और ये आसान सा कैच कीपर के लिए, कैप्टन के लिए, हुजैफा के लिए। दूसरा ओवर कंप्लीट हुआ और इस विकेट के साथ दो ओवर की जब समाप्ति हुई, दो ओवर में बने हैं 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 2 ओवर्स 20 रन्स विद अ लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
दो ओवर चेक टेस्ट हेलो चेक टेस्ट दोनों हेलो चेक हेलो चेक टेस्ट तीसरा ओवर चल रहा है और अभी तक का जो स्कोर है वो है 21 रन्स दो विकेटों के नुकसान पे हेलो चेक टेस्ट सो बहुत ही खूबसूरत शॉट था और वक्त ऐसा है कि हमारे एम्पायर्स के लिए बता दें हमारे जो स्कोरर है उनका लोकेशन शिफ्ट हुआ है यहाँ पर है तो आपका जो भी डिसीजन है आप स्टेज की तरफ इशारा करके आप डिसीजन बता सकते हैं हम सब ने फरिश्ताओं को नहीं देखा मैंने तो नहीं देखा आप लोग में से अगर किसी ने फरिश्ताओं को देखा हो तो मुझे पता नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना कि जो इंसानी रूप में फरिश्ताओं के जैसे हैं और ऐसे लोगों को मैं दिल की गहराइयों के संपूर्ण आदर और सम्मान से ये मेरी इल्तिजा है गुजारिश है फ्रेंड्स हमारे दरमियाँ हमारे बीच हमारे इस पूरे इवेंट को गौरवान्वित करने के लिए पूरे इस इवेंट को सम्मानित करने के लिए हमारे इस पूरे MCL में चार चांद लगाने के लिए कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे जेंटलमैन हैं जिनकी प्रेजेंस से ये पूरा हमारा इवेंट बागबान हो चुका है खुशबू इनकी यहाँ मौजूदगी से फैल चुकी है मैं दिल की गहराइयों के संपूर्ण आदर और सम्मान से गुजारिश करता हूँ मंच पे मरेडिया सोशल ग्रुप फ्रेंड्स पठानवाड़ी से इनका ताल्लुक है और मैं मेरी इल्तिजा इनसे है मेरी मुराद इनसे है मरेडिया सोशल ग्रुप से जिन्होंने लॉकडाउन के वक्त जहां पे पूरा विश्व कोरोना से इस तरीके से जूझ रहा था जहां लोग खुद ही बहुत परेशान थे वहां पे ये लोग दूसरों के लिए सामने आए और मुंबई से गुजरात तक निःशुल्क किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी समुदाय का हो कोई भी हो वो इंसान हो अगर आपको मुंबई से गुजरात जाना है तो हर किसी के लिए इन्होंने मुंबई से गुजरात तक का वो ट्रेन का सफ़र इन्होंने अवेलेबल कराया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े अदब और सम्मान से एक बार फिर से मरेडिया सोशल ग्रुप से कि प्लीज़ आप सभी स्टेज पर कृपापूर्वक पधारें स्टेज पर आइए प्लीज़ जी हाँ मरेडिया सोशल ग्रुप की तरफ से आए हुए जो हमारे मेहमान हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप स्टेज की तरफ आ जाएं सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू हुआ है पहला सेमीफाइनल चल रहा है मैदान पे और समय थोड़ा सा कम है लिमिटेड समय है हमारे पास 10 बजे से पहले ये सभी कार्य संपन्न करने हैं तो ऐसे में मैच के साथ ही एक बहुत बड़ा कार्य हम यहाँ पर अंजाम देते हुए गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर से जो सदस्य मरेडिया सोशल ग्रुप से हमारे बीच में पधारे हैं कृपया करके स्टेज की तरफ आ जाएं मैं चाहूंगा जितने लोग यहां पर एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोगों ने अगर तालियां ना बजाई हो तो ना सही लेकिन अब इतनी तालियां बजें कि ऐसा लगे कि हमारे बीच में सुपरस्टार्स हैं मैं एक बार फिर से अब मुझे कुछ याद आ रहा है ना अरमान इनकी प्रेजेंस के बाद कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी आप आए हैं तो इस रात की औकात बनेगी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बत यहाँ पे आने के लिए और अब मैं गुजारिश करता हूँ जी हाँ इन्हें हम एक प्यार के तोहफे से नवाजेंगे और इन्हें ये मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब बशीर भाई नदारिया से कि प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं जनाब बशीर जी नदारिया प्लीज़ स्टेज की तरफ आ जाएं बशीर भाई
अगर आवाज सुन रहे हो तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा। बशीर भाई प्लीज अगर यहाँ पर हो तो स्टेज पर आने की मुझे ज़हमत करें। और आप लोग अपनी स्क्रीन पे उनको देख रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के समय हम सबको पता है कि बड़ी मुश्किल हो गई थी आम लोगों के लिए, और ऐसे में उन आम लोगों के लिए खास लोग एक फरिश्ताओं के जैसे सामने आए। और मुंबई से गुजरात, अरमानों किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इंसानियत सबसे ऊपर है और यही शायद इस्लाम सिखाता है, यही शायद ये दीन सिखाता है और उसकी जीती जागती एग्जाम्पल हम सबके सामने है। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ ना दोनों हाथ उठा के एक बार सम्मान में क्लैप होना चाहिए। मैं बशीर भाई से हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज सर ये सम्मानित करें। मरेडिया सोशल ग्रुप, मैं चाहूंगा इसको स्ट्रेट कर दें। जी हाँ, आप भी हाथ लगा दें सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, मरेडिया सोशल ग्रुप पठानवाड़ी, और पठानवाड़ी वालों हमें फक्र है और हमें प्राउड है कि आपके यहाँ पे ऐसे जेंटलमैन, ऐसे सज्जन, ऐसे लोग रहते हैं। वी लव यू, थैंक यू सो मच अगेन सर, एंड इट्स ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव योर प्रेजेंस हियर। वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू हैव योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि दो शब्द माइक्रोफोन पे कुछ भी आपके जहन में जो हो दिल में। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, बहुत मोहब्बत, थैंक यू बशीर भाई। चलते हैं आगे फ्रेंड्स, एंड इसी कड़ी में कुछ और वो लोग जिन्होंने मुश्किल समय में, एक बार फिर से कहते ना कि इंसान का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है, वो यही होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बुरे वक्त में काम आए। और एक और ऐसा नाम जिन्होंने लॉकडाउन के समय सभी लोगों की बहुत सेवा की, बहुत मदद की, जोगेश्वरी मोमिन नगर से ताल्लुक रखते हैं, मदनी आइसोलेशन सेंटर, एक हॉस्पिटल सेटअप किया गया था और उनके तरफ से आए हुए जितने भी यहाँ पर सज्जन हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज कृपया करके स्टेज पर आ जाएं। मदनी आइसोलेशन सेंटर जोगेश्वरी मोमिन नगर। जी हाँ, ये मदनी आइसोलेशन सेंटर से आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। कोरोना में ये आइसोलेशन जो वर्ड है आपने सुना पहली बार, बहुत सारे लोगों के लिए वर्ड नया था। ये कोरोना से जो लोग जूझ रहे थे, कोरोना जैसी ये महाबीमारी से जो लोग परेशान थे उनके लिए ये आइसोलेशन था। और वहाँ पे भी आप समझ लें कि ऑलमोस्ट निःशुल्क था ये। सो ऐसे में एक बार मैं जोरदार तालियां आप सबकी, और इन तालियों के बीच हमारी गुजारिश है मदनी आइसोलेशन सेंटर जोगेश्वरी मोमिन नगर से पधारे हुए जो लोग हैं उनसे ये इल्तिजा है कि कृपया करके स्टेज पर आए और इन्हें ये मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब उस्मान भाई पलसानी से कि प्लीज़ स्टेज पर आ जाए। जनाब उस्मान भाई पलसानी और सेंटर में आ जाइए। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा आइसोलेशन सेंटर था कि जहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। कोरोना का नाम सुन के लोग डर जा रहे थे, आप सबको पता है। मैं तो कितने महीने ना अपने रूम के, अपने बेडरूम के हॉल के बाहर नहीं निकला था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। पूरी दुनिया हम ट्रेवल करते हैं और इतना डर, इतना खौफ था दिल में। ऐसे में ये वो लोग हैं आप लोगों के सामने। मैं चाहता हूँ कुछ वक्त के लिए ना सर ये नकाब हटा दें, चूँकि आप लोग के जो चेहरे हैं ना वो प्राउड होता है हम लोगों को, और जितने लोग कैमरे में है ना वो सब भी देखें। एक बार फिर से क्या हम जोरदार क्लैप करेंगे दोनों हाथ उठा के सभी लोग प्लीज़। मदनी आइसोलेशन सेंटर जोगेश्वरी, एंड जोगेश्वरी में ये फरिश्ते रहते हैं इंसान के रूप में। अगर आप लोग फरिश्तों से ना मिले हो तो मिल लें, आप लोग के सामने हैं। बहुत आभार, बहुत मोहब्बत, और आप लोग ने जो काम किया उसके लिए पूरी MCL कमेटी, ये जो यंगस्टर्स सामने देख रहे हैं ये सब आभारी हैं और हम सब आभारी हैं, पूरी मानवता आभारी है जो आप लोगों ने काम किया सर, इंसानियत आभारी है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे दरमियान मौजूद जनाब उस्मान भाई पलसानी से कि प्लीज़ ये एक प्यार का तोहफा, छोटा सा तोहफा MCL की तरफ से प्रेजेंट करें जनाब उस्मान भाई पलसानी। आप लोग क्लैप करते रहें प्लीज़, पूरे दिन हमने एक भी बार नहीं कहा कि आप क्लैप करें, तालियां बजाएं। और मेरी गुजारिश है कि दो शब्द माइक्रोफोन पे प्लीज़ इस इवेंट को लेके, आप लोग के काम को लेके। एक्चुअल में जब कोरोना का मतलब कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और सोसाइटी के अंदर और हम लोग के कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मतलब डेथ हो रही थी, उस वक्त हमने सोच और हमारा कम्युनिटी बहुत पैनिक हो गया था, तो उस वक्त हमने सोचा कि कम्युनिटी की हेल्प के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके तहत हम लोग ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया और उसके अंदर हमने मतलब कम्युनिटी के कितने भी जो बम्बई में बसने वाले लोग थे वो बहुत सारे वहाँ पर एडमिट हुए और उनका हमने
अच्छी तरीके से इलाज किया। उसके अंदर हमारे पास प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी थे, नर्स भी थी, और हमने पूरा मतलब 24/7 पूरा डॉक्टर की टीम भी अवेलेबल की ताकि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की मतलब दिक्कत ना हो सके। और इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को बम्बई शहर के अंदर एक हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम लोग ये चीज़ को माइंड में बना ले कि आगे के लिए हमको एक साथ में मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना है कि कम्युनिटी की बम्बई के अंदर जल्द से जल्द हॉस्पिटल बन सके, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि सब लोग अपने अपने लेवल के ऊपर एक मतलब एक सपोर्ट करें, और उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और उसके ऊपर सब आकर अपना मशवरा दे रहे हैं और उसको मतलब सजेशन दे, उसको आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये आज की तारीख में बम्बई के शहर के अंदर हमारी कम्युनिटी इतने मतलब इलाकों में बसी हुई है, तो उसके हिसाब से हमारी कम्युनिटी का बम्बई शहर में हॉस्पिटल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारी कम्युनिटी चाहे तो मतलब हमारे पास अल्लाह ने हमको बहुत सारा मतलब माल भी दिया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत आसान बात है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और एक प्लेटफॉर्म मिला है। इसके माध्यम से मैं आप सबको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इस बात को आप हमको दिल पर लेकर चलना है कि किसी भी तरह कुछ भी हो गया हमको आते सालों के लिए इस चीज़ को लेकर काम करना है, इसको आगे बढ़ाना है। और मैं MCL की वर्किंग कमेटी से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको एक मौका दिया कि हम अपनी बात रख सके और कम्युनिटी तक ये बात पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। हम एक बार फिर से मन के अंतःकरण के संपूर्ण गहराइयों के आदर और सम्मान से आप लोगों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, और ये जो छोटा सा हमने मोमेंटो दिया ये हम सब की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई दो शब्द और डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि प्लीज़। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी सर, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई होंगी उस टाइम, किस तरीके से आप लोग ने उसको फेस किया और आज कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा सर, आप भी इनके बिहाफ पे फिर से बोल दीजिए। एक्चुअली में जब कोरोना का मतलब इतना ये डिजीज़ इतनी जल्दी से फैल रही थी उस वक्त इसके बारे में नॉलेज भी किसी को नहीं था, लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ को जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी WHO के रेफरेंस से, जो भी रेफरेंस इंफॉर्मेशन थी या तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से हमारे पास इसके बारे में नॉलेज था। लेकिन ये डॉक्टर हमारे अरशद है वो ऑलरेडी मतलब हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ों से और सारे सिस्टम से बहुत अवेयर थे, उसकी वजह से हमको काफ़ी हेल्प हुआ। और जितने भी पेशेंट थे उनको मतलब उन्होंने अपने, और एक डॉक्टर रिजवान का मैं नाम लेना चाहूँगा, यहाँ पर डॉक्टर रेहान बैठे हैं, डॉक्टर असलम है, जिन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और मतलब जब दूसरे डॉक्टर लोग मतलब इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने से डर रहे थे, और उनका डरना अपनी जगह पे जायज़ भी था, लेकिन ये डॉक्टरों ने अपनी कम्युनिटी के फेथ के लिए कम्युनिटी के वेल विशर बनकर आगे बढ़े और कम्युनिटी को एट लार्ज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया, और उसकी वजह से हमें बहुत मतलब कम्युनिटी लेवल के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये सारे डॉक्टर्स जिन्होंने भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिस तरह से भी मतलब इसके अंदर अपनी सेवा दी है, उन सबके हम शुक्रगुजार हैं, और ये आगे भी इसी तरह से कम्युनिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहेंगे, इसे हम उम्मीद करते हैं। आप लोग ने जो काम किया, देखिए सर ये एक ऐसा दौर था ना जिसको पूरा विश्व या पूरा विश्व का इतिहास कभी नहीं भूलेगा, और जब जब इस दौर को, इस टाइम को याद किया जाएगा, आप सभी का नाम बड़े फ़ख्र और एहतराम से हम लेंगे। बहुत आप लोग का आभार, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और आप लोग के यहाँ पे आने से हमारे इवेंट में चार चांद लग गया। एक बार फिर से दिल से बहुत 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 आभार आप लोग का, शुक्रिया, थैंक यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया मदनी आइसोलेशन सेंटर जोगेश्वरी मोमिन नगर का, और साथ में ही हमारे मेहमान उस्मान भाई जिनके हाथों से हमने ये प्रेजेंट किया तोहफा। और जैसा कि इस कॉन्वर्जेशन में भी बात चली, हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना के वक्त लगातार, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी नवाजा गया, कई मर्तबा लोगों को सराहा गया, और उनमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम लिया जाता है आज भी तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं। और हमारे इस शाम के, आज के इन ख़ास मेहमानों में से एक अगले जो मेहमान हैं वो डॉक्टर हैं जो मदीना मंजिल के रहवासी हैं, और इनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, और वो हैं मदीना मंजिल के डॉक्टर रेहान बोरानिया। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, और मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर रेहान भाई से कि प्लीज़ मंच पर आ जाएं। जी हाँ, डॉक्टर रेहान बोरानिया एंड उनके साथ जी हाँ, वो मदीना मंजिल से उनका ताल्लुक है, सो मदीना मंजिल से होते हैं डॉक्टर रेहान बोरानिया, एंड आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पर आते हुए। और जैसा हमारे हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि जो डॉक्टर हैं वो ऊपर वाले का दूसरा रूप होते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन
हमारे यहाँ ये कहा जाता है, मैं चूँकि आप सब ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्लाम धर्म से हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, शायद आप लोग भी मानते होंगे, कि जो ये हैं ये ऊपर वाले के दूसरे रूप हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ एक बार पहले हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक बार फिर से मदीना मंजिल से होते हैं, मदीना मंजिल वाले यहाँ बहुत लोग हैं, एक बार ज़ोरदार क्लैप कीजिए प्लीज़ डॉक्टर रेहान के लिए। और डॉक्टर रेहान जी के बारे में जो हमें बताया गया कि कोरोना के समय में खासतौर पर अप्रैल में जून के बाद जब क्लिनिक्स खुले थे, इनको अपने क्लिनिक्स में भी बहुत सारे काम होते थे, अपने हॉस्पिटल में भी बहुत सारे काम होते थे, उन सभी कामों को फिनिश करने के बाद ये तकरीबन 11:30 बजे जब घर आते थे, उसके बाद अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, मदीना मंजिल में जितने भी पेशेंट हैं उनके घर पे जाकर, चाहे वो नॉर्मल सर्दी खांसी की तकलीफ हो या और कोई तकलीफ हो, बड़ी तकलीफ हो, हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली विजिट करते थे, उनकी उनके लिए मेडिसिन वगैरह भी देते थे, और रात के चाहे फिर 12:30 बज जाएँ, 1 बज जाएँ या 2 बज जाएँ, सभी को एक बार चेकअप करने के बाद फिर अपने घर लौटते थे। इस तरह से इनका डेली शेड्यूल था उस वक्त में। मैं चाहूँगा ऐसे मेहमान के लिए, ऐसे ख़ास मेहमान के लिए डॉक्टर साहब के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा दें जी। आप सोचिए आखिर इन द एंड ये भी तो इंसान ही है ना, जैसे आप और हम हैं, सो इनकी भी फैमिली है जैसे हमारी और आपकी, लेकिन इसके बावजूद सर आप लोगों ने जो इंसानियत की सेवा की है उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और आप यहाँ पर पधारे हैं, और एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क अगर हो सके तो कुछ वक्त के लिए डाउन कर दें, और ताकि जो कैमरे पे लोग हैं ऐसे चेहरे देख के, तो बहुत सारे जो बेनूर चेहरे हैं उन पे भी नूर आ जाए सर, तो आप तो यहाँ पे हैं, ये हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। अब मैं इनकी इज्जत अफजाई के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे दरमियान में मौजूद मौलाना उमर कोसर से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आ जाएँ स्टेज पर। मौलाना उमर, डॉक्टर रेहान को ये सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करेंगे मौलाना उमर कोसर। तालियां आप लोग की होनी चाहिए जोरदार। बहुत शुक्रिया मौलाना उमर कोसर जी, हम गुजारिश करेंगे सर पहले तो अपनी जो क्लिनिक है वो काम करना, और उसके बाद आके मदीना मंजिल के जो आपके सोसाइटी के लोग हैं उनकी देखभाल करना, कैसे ये सब मुमकिन हो पाता था, कहाँ से वो जज्बा, कहाँ से वो यकीन, कहाँ से वो हौसला मिलता था? ये हौसला सहाबाओं की सीरत के जरिए से मिलता था, कि जब कोई हालात आते थे तो हमारे नबी के साथी जो सहाबा कहलाते हैं वो हमेशा हर वक्त तैयार हो जाते थे, तो उन्हीं के वाक्यात सुनकर और इसका बदला अल्लाह से लेने के लिए तो ये हौसला ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। और दूसरी बात जो आदिल भाई ने कही कि भाई हमारे लिए एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, ये यकीनन बहुत ज़रूरत की चीज़ है, और हॉस्पिटल के ज़रिए बहुत सारे नेक काम हो सकते हैं, और इसके ज़रिए हमारी दुनिया भी बन सकती है, आखिरत भी बन सकती है। तो हम सब मिलकर ये इरादा करें कि हम सब मिलकर एक ऐसी हॉस्पिटल बनाए जिसके अंदर कोई गरीब आवे या अमीर आवे या कोई भी इलाज, कोई भी बीमारी को लेकर आवे तो उसका इलाज वहाँ हो जाए। ऐसी हॉस्पिटल का हमें शुरुआत करनी है, और इन सब के लिए हम सबको मिलकर करनी होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से कामयाबी रहेगी। डॉक्टर साहब कुछ खेल से रिलेटेड सवाल करें एक दो, कौन सी फेवरेट टीम है आपके, आसान से सवाल होगा। चूंकि आप खुद मदीना मंजिल से हैं, सो मदीना मंजिल के अलावा, क्योंकि मदीना मंजिल का तो शायद बुरिया बिस्तर आराम से आराम कर रहे हैं ना, वो दूसरों को संभाल रहे हैं, सो दूसरी कौन सी टीम होगी? या चलिए सर खेल के बहाने जो ये लोगों को जोड़ने की कोशिश है इनकी, कमिटी मेंबर्स की, आयोजकों की, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? खेल तो बस एक बहाना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी कोशिश है, और ये हर वक्त में होनी भी चाहिए और हर इलाके में होनी चाहिए, और इसके जरिए क्या होता है, एक दूसरे के जो अच्छाइयाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी एक दूसरे की मिलती है। और आजकल ये ज़माना हो गया है कि खेलने की जगह कम हो गई है, लोगों के लिए खेलने की जगह ही नहीं है, अभी जो ग्राउंड पर खेलने वाले थे अब मोबाइल में खेलने वाले बन गए, जो क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता था अब मोबाइलों में खेला जाने लगा। तो जब ऐसी इवेंट्स होती है तो इसके जरिए लोगों को थोड़ी वो भी होती है, ये हिम्मत होती है कि इन्हें हमें खेलना चाहिए, और फिर जो भी बच्चे भी आते हैं वो भी सोचते हैं कि ना वी ऑल्सो प्ले क्रिकेट, तो वो अपने यहाँ अपना मोबाइल छोड़ कर ग्राउंड में आ जाते हैं। तो ऐसी हर चीज़ें हर वक्त में होनी ही चाहिए, जिसके ज़रिए हमारी फिजिकल फिटनेस भी बड़ी अच्छी रहती है, और ओवरऑल
एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बहुत टाइम से लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं तो कुछ वक्त निकाल नहीं पाते, तो ये अच्छा मौका होता है कि आपस में मिलना भी हो जाता है, अपने फिजिकल फिटनेस भी बड़ी अच्छी हो जाती है इसके जरिए। आप यहाँ पर आए और आपके आने के बाद सर अगर मैं ये एक दो फ्लड लाइट्स बंद भी कर दूँ तो रोशनी यहाँ पर रहेगी, चूँकि आपके कदम यहाँ पे पड़े हैं। डॉक्टर रेहान साहब बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और आलोक मैं जोड़ना चाहूँगा इनके लाइन जो इन्होंने बताई कि किस तरह से अपने डेली के काम को हॉस्पिटल्स में कंप्लीट करते थे, क्लिनिक में कंप्लीट करते थे, फिर घर आकर मदीना मंजिल अपने इलाके के जो लोग परेशान थे या जिनको कोई छोटी मोटी बीमारियाँ थी वो भी करते थे। और इस बात से एक चीज़ साफ जाहिर हो जाती है कि आप भले ही किसी भी व्यवसाय में रहें, अपने जो पड़ोसी के हक हैं उसको ज़रूर पूरा करें। शायद हमने हदीसों में भी ये बात कई मर्तबा पड़ी है कि सबसे बड़ा हक अगर आपका किसी के ऊपर है तो वो आपके पड़ोसी का है, और एक इंसानियत की जीती जागती उदाहरण है। और मुझे दो लाइन भी इस पर याद आ रही है कि वो दिल ही क्या जिसमें उल्फत नहीं, वो गुल ही क्या जिसमें खुशबू नहीं, लाख जौहर हो इंसान में लेकिन अगर एक इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। और इंसानियत के लिए जो काम डॉक्टर साहब ने किया है, डॉक्टर रेहान ने किया है, इसके लिए हम तहे दिल से आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेहान सर और मौलाना उमर सर, थैंक यू सो मच सर। फाइनल मैच देख के जाना सर। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेहान सर। आपने देखा ये कुछ वो लोग थे, ये कुछ वो चेहरे थे जिनको सम्मानित करके सम्मान को भी सम्मानित महसूस हो रहा होगा। सो यहाँ से अब आपको पता है कि जब मैच चल रहे होते हैं, आप लोग भी जो YouTube पे देख रहे होंगे, शायद बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ और भी प्यारे प्यारे चीज़ें कही होंगी। फिलहाल वक्त है टॉस का। जी हाँ, सेमीफाइनल नंबर 2 जो खेला जाना है मुंबई सेंट्रल और उनके सामने टीम होगी बहरामबाग। सो मैं गुजारिश करूंगा, बहरामबाग के कैप्टन एंड मुंबई सेंट्रल के कैप्टन से गुजारिश है कि प्लीज़ आए तुरंत स्टेज पे टॉस के लिए। और ये टॉस को करने के लिए जैसा कि सलमान भाई हमें बता रहे हैं, आसिफ बोरानिया सर से रिक्वेस्ट है फ्रॉम वर्सोवा आई गेस। आसिफ भाई बोरानिया फ्रॉम वर्सोवा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाएं। और टीम बहरामबाग के कैप्टन तो आ चुके हैं यहां पर, मुंबई सेंट्रल के कैप्टन मोहसिन से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुरंत स्टेज पे आएं। इस मैच में 61 का टारगेट है जैसा कि हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 6 ओवर में वेस्टर्न यूनाइटेड ने 60 बनाए और पठानवाड़ी के सामने 61 का टारगेट। मोहसिन भाई मुंबई सेंट्रल कैप्टन प्लीज आ जाएं स्टेज पे, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, आपके कानों तक हमारी आवाज दस्तक दे रही हो तो तुरंत स्टेज पर आएं, वी आर वेटिंग फॉर यू मोहसिन भाई। चलिए तब तक नजरें डालते हैं मैदान पर, आई थिंक उन्हें भी शायद खबर नहीं थी कि टॉस इसी समय होगा। अगले 2 से 5 मिनट में गुजारिश रहेगी कि मोहसिन भाई आ जाएं स्टेज पर। जी हाँ, कैप्टन आ रहे हैं और तब तक हम बातें करते हैं हमारे गेस्ट से। सर प्लीज आइए। 6 ओवर में सबसे पहले सो दूसरी हेलो हेलो चेक हेलो चेक 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 टेस्ट हेलो चेक 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 दस बजे तक बोला उसको
सेमीफिनाले वन वहाँ पे चल रहा है और सेमीफिनाले टू के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और इस मैच के टॉस के लिए आसिफ भाई हमारे साथ हैं। दो टीमें आप देख रहे हैं, मुंबई सेंट्रल की टीम हमारे गोरेगांव में खेल रही है, सेमीफिनाले तक आ चुके हैं और इनसे तो आप सभी भली बाकी वाकिफ़ हैं। बहराम बाग के कैप्टन अम्मार हैं हमारे साथ। सो कौन लेगा कॉल पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, कौन लेगा? चलिए मुंबई सेंट्रल के कैप्टन कॉल लेंगे। हेड इज द कॉल फ्रॉम मुंबई सेंट्रल एंड क्या है सर? हेड्स ये है। सो मुंबई सेंट्रल ने टॉस जीता है। ये थोड़े से कंफ्यूज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ डिसीजन को लेके, क्योंकि बड़ा मैच है, क्या किया जाए? बहुत कंफ्यूज है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुँचे हम लोग, तो डिसीजन क्या है हम लोगों के, हम लोग सुबह से टॉस जीत के आए, ये चौथा भी जीता हम लोग ने और फील्ड लिए है, तो फील्ड लेके हम लोग जीते हुए से एक मैच हारे थे। तो हमारा थिंकिंग वही है कि जब तक हम ये लक चल रही है हमारी टॉस से, तो टॉस विन मैच विन, तो वही सब से हम चल के आ रहे हैं, तो शायद हम लोग टॉस से फील लेते हैं। जी फील लेते हैं हम। सो मुंबई सेंट्रल ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया है और अम्मार का चेहरा बता रहा है कि शायद पता नहीं वो खुश हैं कि क्या है। जी हम, मुझे तो बैटिंग ही चाहिए थी, टॉस जीत कर मैं बैटिंग ही लेता था, क्योंकि हम लोग भी सुबह से बैटिंग करते ही आ रहे, तो वो मोमेंटम ब्रेक नहीं करना हमको, तो वही ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर खड़ा करके ऑपोजिशन को प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे। सो मुंबई सेंट्रल मोहसिन ऑल द बेस्ट एंड अम्मार ऑल द बेस्ट एंड एक बार सर आप भी इनको मुबारकबाद दे दें दोनों कप्तानों को। सो यहाँ से इतना ही। सेकंड सेमीफिनाले में मोहसिन ने टॉस जीता मुंबई सेंट्रल एंड वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं एज यूजुअल, जैसा उनका हिट फार्मूला है उसको रिपीट करेंगे। ऑल द बेस्ट कैप्टन्स। चेक टेस्ट।
बेटा अच्छा लेकिन बेटा इधर अच्छा है लाइव मोहम्मद मोहम्मद ये माइक उनको दे क्या हां वो चेक करवा के दो उनको दे दो बंद किया है उसको ऑन करने बोलना अभी देखो अभी 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 देखो चेक टेस्ट चेक 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 34 रन्स 2.2 ओवर्स एक विकेट और हेलो 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 चेक हेलो 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 आवाज आ रहा है हेलो हाँ आ रहा है 21 बॉल्स में 21 की है जरूरत अभी हेलो ये देखो मैं बोल रहा हूँ माइक में आवाज आ रहा है हेलो सुनो आप सुनो ना फुल है फुल वॉल्यूम हेलो आप भी आया मैं बंद नहीं किया मतलब अब भी आया हेलो हेलो आया आप भी आया इस पे 17 आ गया अब 20 गेंदें बची हैं और 20 में 17 की है जरूरत जो भी टेक्निकल एरर्स की वजह से हम ऑडिबल नहीं थे आपको उसके लिए बहुत माजरत माफ़ी और फिर से अगर आप देखें तो क्या रंग में खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज हुज़ैफ़ा की बात करें आप जो 7 बॉल्स में 28 पे खेल रहे हैं 400 की स्ट्राइक रेट से और इम्तियाज़ की अगर बात करें तो 2 पे 5 सो दोनों एक ही गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो है टॉप गियर 50 पे जा पहुँचे हैं सिर्फ 2.5 ओवर की गेंदबाजी अभी हुई है और अब जो टारगेट है उसके तो बेहद करीब जा पहुंचे हैं और ये वाइड गेंद अब 19 गेंदों में महज 10 रनों की जरूरत सो पठानवाड़ी जब चेस करने आई थी सो शायद हम सबने नहीं सोचा था कि 61 रन इतने जल्दी बन जाएंगे या इतने आसानी से ये मैच एक तरफा हो जाएगा लेकिन कमाल की बल्लेबाजी और बल्लेबाजी किसने की आप देखिए कि टॉप ऑर्डर्स के जो टॉप क्लास के बल्लेबाज थे जिनसे बड़ी उम्मीदें थी उन्होंने बड़े मौके पे एक ये जिम्मेदारी ली और बहुत ताबड़तोड़ खेले हैं और ग्रैंड फिनाले में जिस अंदाज से पहुंच रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है अब जिस रुतबे से जिस बड़ी जीत के साथ पहुंचते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है पठानवाड़ी के लिए हालांकि अभी भी 8 की ज़रूरत है 24 गेंदों में चाहेंगे दोनों ये बल्लेबाज कि ये दोनों नाबाद रहें नॉट आउट जाएं ये कहीं ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड करती है हुज़ैफ़ा होंगे अब स्ट्राइक पे महज 8 रनों की जरूरत है वेस्टर्न यूनाइटेड के लिए ये एक वेकअप कॉल की तरह और एक बात जो बहुत अच्छी नजर आई है वो ये है अब्दुल समद की के कमेटी मेंबर्स के जिन्होंने सुबह से लगातार हमारी खिदमत में हमारी मोहब्बत में कभी भी हमको लगा नहीं कि हम और खास करके मैं कि दूसरी बार ये इवेंट हम कर रहे हैं बहुत मज़ा आया आज के दिन वाकई और अगर आप इस ग्राउंड पे आते तो शायद आप सबको यहाँ पे एक अलग ही वाइब आप फील करते विकेट गया और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और उसमें ही ये विकेट गंवाया Thank you.
ये जिस तरीके से विकेट गया आप देख रहे हैं। जैसा शायद आपको कुछ और आवाज़ें आ रही होंगी, दूसरी आवाज़ कि महज अब 7 और रन्स की ज़रूरत है। नए बल्लेबाज अमन गए हैं, अमन मरेडिया जो स्ट्राइक पे हैं, और अमन तो पहली बॉल ही घुमाएंगे। वाइट का इशारा है क्योंकि अमन जब जब खेलते हैं तो ये सभी को पता है, खुद अमन को ही पता है कि भाई सिंगल्स डबल्स बहुत कम आप देखेंगे, ये बिलीव करते हैं अटैक में। और एक और विकेट। सो अब टारगेट के मंजिल के बेहद करीब आके लड़खड़ा रही है टीम पठानवाड़ी। हालांकि चिंता करने वाली या कोई भी तकलीफ देने वाली कोई बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल नहीं चाहते कि इस तरीके से ये पिक्चर सामने आए जो भी फिलहाल दिख रहे हैं। अमन भी आउट हुए, बोल्ड हुए आप देख रहे हैं। सो वेस्टर्न यूनाइटेड के लिए सबीर बॉलिंग कर रहे हैं, साबिर शेलिया 6 और रन्स बनाने हैं। अब देखना है कि इन 6 रनों को और कितना डिफिकल्टीज आती हैं, कितनी और प्रॉब्लम्स आती हैं। एजाज पटेल अब नए बल्लेबाज आए हैं, और क्या एक और विकेट। YouTube पे आप जितने लोग आप लोग लाइव देख रहे हैं, आप सबके लिए ही कमेंट्री हो रही है क्योंकि फिलहाल जो ग्राउंड में है शायद कुछ प्रशासन से वो कॉल्स, और इस वजह से यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है वो हमने बंद किया है। सिर्फ जो YouTube पे आप लोग देख रहे हैं आप सबके लिए कमेंट्री हो रही है। और एक और विकेट, ये आप देख रहे हैं क्या हुआ, अगर रिप्ले में आप देखें तो पता चलेगा। एक बड़े शॉट की जरूरत है, अगर वो नहीं तो सिंगल्स डबल से रन आएंगे, लेकिन ये गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई। दबाव बन जा रहा था, सिर्फ 6-7 रन ही बनाने थे, लेकिन पठानवाड़ी एकदम से ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स नजर आ रहा था। 59 रन्स, अब जस्ट 2 मोर रन्स अवे टू क्वालिफाई फॉर ग्रैंड फिनाले। एंड फ्रेंड्स, पठानवाड़ी दे आर द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई इनटू द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस सीजन ऑफ MCL मदीना क्रिकेट लीग में। ये पहली टीम बनी जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में प्रवेश किया। सो पठानवाड़ी के लोगों, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। आपका नंबर
चेयर पे बैठा।